ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये द ईगल नेबुला का लाइव व्यू है, जिसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है। और अब ये देखिए, ये है साउदर्न रिंग प्लेनेटरी नेबुला का लाइव व्यू। कितना शानदार है ये नेबुला। और ये है टेरेंटुला नेबुला का लाइव व्यू। अंतरिक्ष जो कि बहुत बड़ा और बहुत से रहस्यों से भरा हुआ है, जिसमें बहुत से इनक्रेडिबल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, जिसमें प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और बहुत ही शानदार नेबुलास छिपे हुए हैं। लेकिन यह नेबुला बनते कैसे हैं? अगर साधारण भाषा में बात करें तो नेबुला का मतलब होता है बादल। जैसे हमें आसमान में अलग अलग आकार के बादल दिखाई देते हैं, वैसे ही बादल हमें अंतरिक्ष में भी देखने को मिलेंगे और इन्हें हम नेबुला कहते हैं। ये नेबुला दो तरीकों से बनते हैं। पहला, जब स्पेस में डस्ट, डर्ट और कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और इसके साथ साथ प्लाज्मा गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, तब वह एक बड़े बादल का रूप ले लेती हैं, तब उस बादल को हम कहते हैं नेबुला। और दूसरा, अगर कोई तारा अपने आखिरी दौर पर है तो इस तारे में विस्फोट होना तय है, और जैसे ही इस तारे में कोई बड़ा धमाका होता है तब तारों में मौजूद धूल कण और गैसेस मिलकर नेबुला का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि तारों के मरने से होता है नेबुला का जन्म। वैसे हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारी पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के बहुत सालों बाद शुरू हुआ। लगभग 4.6 अरब लाख साल पहले तारों के विस्फोट के साथ हमारे अंतरिक्ष में नेबुला की उत्पत्ति हुई। प्राचीन समय में ही कुछ एस्ट्रोलॉजर ने नेबुला के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया था। 150 एडी में प्लॉटमी नाम के वैज्ञानिक ने अपने एल्मागेस टेलीस्कोप में कुछ बड़े तारों के बारे में बात की जो कि नेबुला थे। फिर पर्शिया के एक वैज्ञानिक अबद अल रहमान अल सफी ने साल 1964 में अपनी एक बुक में ओमिक्रॉन वेलरूम नाम के तारे के बारे में लिखा, जो कि नेबुला के बारे में था। यह नेबुला के होने का पहला प्रमाण था, जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने 1954 में प्रूफ कर दिखाया। वैसे नेबुला में पाए जाने वाले धूल और गैसेस काफी दूर तक फैले रहते हैं, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के नजदीक आकर कुछ शेप्स की फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि देखने में बहुत लाजवाब लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की संरचना को एक जादू से कम नहीं आंका जा सकता। तो चलिए देखते हैं नेबुला की कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें, जिन्हें वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं और जो पूरी तरह से अलग अलग रंगों से घिरा हुआ है। लायन नेबुला मिल्की वे के बेहतरीन नेबुला में से एक है, द लायन नेबुला, जो कि SH-2132 के नाम से भी जाना जाता है। ये सेफियस कॉन्स्टेलेशन में साउदर्न बॉर्डर पर पाया जाता है। द लायन नेबुला मिल्की वे के प्रीडास ब्रांच में अप्रोक्सीमेट 10,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। यह मेनली एक इमिशन नेबुला है, जिसमें कुछ बड़े सितारे हैं जो इस एरिया में गैसेस को कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। द लायन नेबुला में ज्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मौजूद हैं, जिसे केवल एस्ट्रोफोटोग्राफी के माध्यम से ही देखा जा सकता है, जबकि लायन नेबुला शेप में बहुत बड़ा है। पर टेलीस्कोप की एपिक से देखने पर यह बहुत धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जुलाई और दिसंबर के महीने में इसे आसानी से देखा जा सकता है। स्कल एंड क्रॉस बोन्स नेबुला NGC-2467, जिसका निकनेम स्कल एंड क्रॉसबो नेबुला है, जो कि एक स्टार विस्फोट वाला एरिया है, जिसकी प्रेजेंस की तुलना कभी कभी रंगीन मैंड्रिल से भी की जाती है। इसमें वह क्षेत्र शामिल है जहां हाइड्रोजन गैस के बड़े बादल नए स्टार्स को जन्म देते हैं। ये यंग, ब्राइट और जलती हुई फॉर्मेशन ओमनियस नेबुला का ही पार्ट है और आमतौर पर क्रॉसबो नेबुला के नाम से जानी जाती है। इनफैक्ट ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे नेबुला हैं, जो कि एक सिनिस्टर फेस बनाने के लिए है। IESOs और ऐसे बहुत से टेलीस्कोप द्वारा ली गई और हेलोवीन के टाइम पर क्लिक की गई ये तस्वीर बहुत ही अनोखी है, जो बिल्कुल एक स्कल के जैसी है। ये यंग तारों की नर्सरी मिल्की वे के कॉन्स्टेलेशन पपीज में बनती है और बहुत लाजवाब है। करीना नेबुला। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सबसे बड़े डिफ्यूज नेबुला के बारे में, जिसका नाम है करीना नेबुला। अगर करीना नेबुला की बात करें तो यह अप्रोक्सीमेटली 7,600 लाइट ईयर दूर है। हमारी पृथ्वी में इसे ग्रेट करीना नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। ये मिल्की वे के साउदर्न कॉन्स्टेलेशन करीना में पाया जाता है। वैसे अभी हाल फिलहाल में नासा ने करीना नेबुला की एक पिक्चर रिलीज की है, जिसे उन्होंने नाम दिया है मिस्टिक माउंटेन। वैसे ऐसा नाम देने के पीछे भी एक कारण है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी रहस्यमय तरीके से लेटा हुआ है, जो देखने में बहुत अजीब लगता है और डरावना भी। करीना नेबुला के अंदर आपको एक
होमंकुलस नेबुला भी देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा रेडियस के साथ करीना नेबुला को घेरे हुए है। आवर ग्लास नेबुला। अगर इस इमेज को गौर से देखें, क्या यह देखने में आपको गॉड के इंस्ट्रूमेंट सिंबल के जैसा नहीं दिखाई देता? हाँ बिल्कुल, आपने सही पहचाना, ये है एनग्रेप्ड आवर ग्लास नेबुला, जो हमारी धरती से 8154 लाइट ईयर में म्यूस्का कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है। ये बेसिकली एक प्लेनेटरी नेबुला है। इस नेबुला का आवर ग्लास शेप प्रोड्यूस हुआ है, जिसका रीजन है फास्ट स्टेलर विंड और इंटरस्टेलर क्लाउड की एक्सपेंडेशन। वैसे आवर ग्लास नेबुला के शेल में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मौजूद है, और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है, जो कि तारे की हीटेबल सिचुएशन क्रिएट करता है। वैसे हमारे यूनिवर्स में और भी बहुत से क्रिएशन है जो गॉड के सिंबल और अलग अलग तरह के सिंबल के जैसे लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले नेबुला के बारे में, जो है ट्विन जेट नेबुला। तो चलिए अब बात करते हैं PNM29 नेबुला, जिसे ट्विन जेट नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। जो आप क्रेजी कलरफुल इमेज यहाँ देख रहे हैं, ये है ट्विन जेट नेबुला, जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है। इस नेबुला के सेंटर में दो तारे हैं, जो बिल्कुल एक ही आकार के हैं, इसलिए इसे ट्विन जेट नेबुला का नाम दिया गया है। स्टडी से पता चलता है कि इस नेबुला का आकार टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है, और ये एक बाइपोलर नेबुला है। ये नेबुला अर्थ से 2100 लाइट ईयर दूर मौजूद है, और विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई नेबुला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक तारा बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल इसके एंड तक। और अगर आप इसे और जूम करके देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। टेरेंटुला नेबुला। अब हम बात करते हैं हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेबुला के बारे में। ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर की गई तस्वीर ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्टार फॉर्मिंग एरिया के नेबुला की है, जिसे N79 के नाम से भी जाना जाता है। N79 लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड्स में लोकेटेड है, और ये इतना बड़ा है कि अगर इसे सोलर सिस्टम के डायमीटर के साथ कंपेयर किया जाए तो ये उससे भी कई हजार गुना बड़ा है। वैसे इस नेबुला का नाम 30 डेरोडस है, जो तारों की नर्सरी है, जो कि 161,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष में तैनात सबसे बड़े टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दुनिया को ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू करवाया है। टेरेंटुला नेबुला सबसे बड़ा और चमकीला स्टार फॉर्मिंग एरिया है। नासा के अनुसार ये अब तक खोजे गए सबसे गर्म और बड़े तारों का घर है। बताया गया है कि टेरेंटुला नेबुला पूरी तरह से धूल से घिरा हुआ दिखाई देता है। नासा ने यह भी बताया है कि टेरेंटुला नेबुला में ऐसे हजारों तारों को पाया गया है जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। टेरेंटुला नेबुला इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारी आकाशगंगा के विपरीत ये बहुत तेजी से नए तारों का निर्माण कर रहा है। नासा के मुताबिक ये इलाका हमारी आकाशगंगा के बहुत करीब है और देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है। ओरायन नेबुला। 12 लाइट ईयर के रेडियस में फैला हुआ ये ओरायन नेबुला मेसियर 42 यानी कि M42 के नाम से भी जाना जाता है। ये नेबुला आर्यन कॉन्स्टेलेशन के साउथ में स्थित है, जो कि सबसे ब्राइटेस्ट नेबुला में से एक है। ये इकलौता ऐसा नेबुला है जिसे रात में हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये बेहद चमकदार होता है। साथ ही ये ओरायन बेल्ट के नीचे मौजूद है। ये पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है, इसलिए ये पृथ्वी का निकटतम स्टार वाला एरिया है। ओरायन नेबुला का मास सूर्य से अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना ज्यादा है। और तो और पुराने ग्रंथों के अनुसार बात करें तो इसे ग्रेट नेबुला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गैस और धूल की एक चोटी की तरह लगता है। डंबल नेबुला। डंबल नेबुला, जिसे एप्पल कोर या मेसियर 27 के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 1360 लाइट ईयर की दूरी पर वुलपिकुला कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है। लेकिन अगर इसकी खोज के बारे में बात करें तो यह 1764 में चार्ल्स मेसियर द्वारा डिस्कवर किया गया था, और उन्हीं के नाम पर इसे मेसियर 27 का नाम दिया गया। ये नेबुला एक लंबी राउंड शेप के जैसा दिखाई देता है, जो कि छोटी छोटी गांठों के साथ भरा हुआ है। इसका निर्माण तब हुआ जब सूर्य के बराबर एक तारे ने अपनी हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोसेस को खत्म कर दिया और अपनी परत को अंतरिक्ष में उड़ा दिया, जो कि बहुत ही चमकदार है। इसका आकार एक लंबी राउंड शेप के जैसा है और देखने में बहुत लाजवाब लगता है। सिग्नस लूप नेबुला। तो अब हम बात करते हैं गहरे रहस्यों के साथ भरे हुए एक ऐसे नेबुला की, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत है ही, और साथ के साथ अपने अंदर बहुत से राज दफन किए हुए है। साइनस लूप नेबुला अप्रोक्सीमेटली 2600 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित ये नेबुला
120 लाइट ईयर के डायमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो इसकी पहली खोज विलियम हर्स्चेल ने 1784 में एक सिंपल 18 इंच रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का प्रयोग करके की थी और इसकी अलग अलग डायरेक्शंस में इमेज को कैप्चर किया था। कई साल बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके इसे दोबारा देखा गया तो पाया गया कि ये और भी ज्यादा एक्सपैंड हो गया है और ये हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इसका एरिया और बढ़ जाए। रनिंग चिकन नेबुला। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले नेबुला के बारे में, जिसका नाम है रनिंग चिकन नेबुला, जिसे सैटर्नरी नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। ईसीओ द्वारा रिलीज की गई 1.5 बिलियन पिक्सल की ये इमेज है, जो कि है रनिंग चिकन नेबुला की, जो शो करता है नेबुला की बहुत ही बड़ी नर्सरी को। सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित ये नेबुला पृथ्वी से 6500 लाइट ईयर की दूरी पर है। रनिंग चिकन नेबुला की एक तस्वीर, जिसे IC 2944 के नाम से भी जाना जाता है। रनिंग चिकन नेबुला में कई एरिया शामिल हैं। सबसे चमकीले भाग को IC 2948 कहा जाता है, जिसे कुछ लोग मुर्गे का सिर भी मानते हैं। और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।